अपने दुश्मन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को खत्म करने के लिए डी कंपनी ने दिल्ली के डॉन नीरज बवाना से हाथ मिला लिया है। इसकी पुष्टि खुफिया एजेंसी ने तिहाड़ प्रशासन को अलर्ट जारी करते हुए की है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने तिहाड़ प्रशासन की आपातकालीन बैठक ली है। उधर खुफिया एजेंसी ने जानकारी मिलने के बाद तिहाड़ में छोटा राजन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लोगों की पहुंच से दूर रखा। जेल प्रवक्ता की माने तो राजन का बैरक जेल नंबर 2 के अंत में है। राजन को दाऊद और उसके लोगों की पहुँच से दूर रखने के लिए ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है, जिससे उसकी सुरक्षा पुख्ता रहे। तिहाड़ जेल के अधिकारियों का कहना है कि राजन की सिक्योरिटी बेहद टाइट है और बवाना का उसे टारगेट बनाना आसान नहीं होगा। बावजूद इसके राजन की सुरक्षा के लिए जांचे परखे गार्ड और खाना बनाने वाले हैं, जिनकी नियमित रूप से दूसरे गार्ड जांच करते हैं। उधर नीरज बवाना को हाई रिस्क वार्ड में अकेले रखा गया है, जिससे तो वह अपने किसी साथी से मिल सके और वीवो डी कंपनी की साजिश को कामयाब कर सके। 2004 में पहला कत्ल करने वाला नाबालिग नीरज बवाना अब दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। बवानिया अत्याधुनिक अमेरिकी ऑटोमेटिक हथियार रखने के लिए मशहूर है। यही नहीं, नीरज को दिल्ली में फिरौती का किंग भी कहा जाता है। वह हत्या, किडनैपिंग और जबरन उगाही सहित 100 से अधिक मामलों में वॉन्टेड था। पुलिस ने उस पर 1,00,000 का इनाम घोषित करते हुए मकोका लगाया था। नीरज से डरकर दिल्ली के कई कांग्रेसी विधायकों ने तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार में लिया। नीरज फिलहाल तिहाड़ में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।